अब तक रहुआ कई को बिया मुंडन उपनयन संस्कार औरी तीज परब में अपना रिश्तेदार और दोस्तन के घर गयल होखे। ए मौका पर रहुआ ओकरा के कुछ उपहार भा नेक देले होखे। अक्सर देखल गयल बा कि लोग नेक व सगुन के लिफाफा में एक रुपये का सिक्का जरूर देला, लेकिन का रउआ जानत बानी कि सगुन के रूप में सिर्फ एक रुपया का सिक्का काहे दियल जाला। अगर रउआ नहीं खे जाना तो चली हमनी बताई। बिया में कोनो जोड़ा के एक रुपये का सिक्का सगुन के रूप में दियल जाला, काहे कि एक रुपये को ना नोट के संग दियल जाला ना तो सगुन के रूप में दियल रखम अविभाज्य संख्या हो जाला। ऐसा में ना सब केहू दुआ करेला कि नया जोड़ा ना हमेशा खातिर संगे में रहे। यही से एक रुपये के सिक्का नेक में दियल जाला। एकरा अलावा इस संख्या बहुत शुभ और कोनो नया रिश्ता खातिर निमन मानल जाला। बहुत मान्यता के मुताबिक एक रुपये का सिक्का कोनो नया जोड़ा के चाहे आदमी के इस सोच के भी दियल जाला कि उनका जीवन में आर्थिक समृद्धि मिलेला और हमेशा उनका संगे शुभकामना मिलेला। एकरा अलावा एक रुपये का सिक्का भी निवेश के प्रतीक के रूप में देखल जाला। एक रुपये का सिक्का सगुन के रूप में देवे के एगो महत्वपूर्ण कारण यो बा कि हिंदू मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी के धातु के रूप में भी जानल जाला। ऐसन स्थिति में सगुन के लिफाफा में राखल एक रुपये का सिक्का देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानल जाला। दोस्तों रउआ के हिसाब से ई रुपये का सिक्का पहचानल जा सकेला, कमेंट करके हमका बताई। साथ ही वीडियो को लाइक करी और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूली।